गाइस, मुंबई इंडियंस ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, 12 साल तक नहीं मिट सका ऐसा दाग। क्या है पूरी जानकारी बताता हूँ। मुंबई इंडियंस का आईपीएल सीजन की शुरुआत हार के साथ करने का सिलसिला जारी रहा। रविवार को खेले गए आईपीएल 2024 के मैच में मुंबई इंडियंस को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बीच शुभमन गिल ने 6 रन की जीत के साथ गुजरात टाइटंस के कप्तान के रूप में अपनी शुरुआत की। लगातार 12वें साल मुंबई इंडियंस टीम शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग मिटाने में नाकाम रही है। मुंबई इंडियंस को लगातार 12वें साल आईपीएल सीजन की शुरुआत पहले मैच में हार के साथ करनी पड़ी है। 2013 से 2024 तक मुंबई इंडियंस को आईपीएल सीजन की शुरुआत अपने पहले मैच में हार के साथ करनी पड़ी थी। मुंबई इंडियंस ने आखिरी बार सीजन की शुरुआत 2012 में की थी, जब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सीजन का पहला मैच जीता था। 2013 से लेकर अब तक मुंबई इंडियंस की टीम अपना रिकॉर्ड नहीं बदल पाई है। 2 साल में आईपीएल का पहला मैच खेल रहे जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसकी मदद से मुंबई इंडियंस ने गुजरात को 6 विकेट पर 168 रन पर रोक दिया। हालांकि जसप्रीत बुमराह के शानदार प्रदर्शन को बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। तिलक वर्मा और नए कप्तान हार्दिक पंड्या बुरी तरह नाकाम रहे और मुंबई इंडियंस 9 विकेट पर 162 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान ने 4 ओवर में 23 रन बनाए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। अनुभवी मोहित शर्मा ने 32 रन देकर 2 विकेट लेकर मैच की किस्मत बदल दी। स्पेंसर जॉनसन ने 25 रन देकर 2 विकेट और उमेश यादव ने 32 रन देकर 2 विकेट लिए। 19वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन और आखिरी ओवर में उमेश ने अच्छी गेंदबाजी की। मुंबई के कप्तान हार्दिक 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, जो समझ से परे है। आखिरी ओवर में उन्होंने 1 छक्का और 1 चौका लगाया, लेकिन उमेश ने उन्हें आउट कर मुंबई की हार तय कर दी। इससे पहले रोहित शर्मा ने 29 गेंदों में 43 रन और देवाल ब्रुइस ने 38 गेंदों में 46 रन बनाए।